हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा, पाकिस्तान और चीन से रक्षा के लिए भारत करेगा S-400 मिसाइल तैनात। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन को फिर लगेगी मिर्ची, तिब्बती लोगों से मिलने धर्मशाला पहुंची अमेरिकी विशेष दूत। जी हां दोस्तों, इसी बीच बताएंगे जहां अमेरिका ने भारत को रशिया से दूर करने के लिए उठाया ये बहुत बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ज्ञान वापी विवाद को लेकर बहुत बड़ी खबर दोस्तों, वैसी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश कुरैशी हुए गिरफ्तार। साथ ही दोस्तों हार्दिक पटेल को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही, तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान, और मानते हैं कि भारत देश नंबर वन देश है, और भारत की देश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप के। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा, पाकिस्तान और चीन से रक्षा के लिए भारत करेगा S-400 मिसाइल को तैनात। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है दोस्तों कि पाकिस्तान और चीन से खतरे के मद्देनजर देश की रक्षा के लिए भारत जून 2022 तक S-400 मिसाइल प्रणाली की तैनाती की योजना बना रहा है। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियन ने कांग्रेस की एक सुनवाई के दौरान सांसद की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत को पिछले साल दिसंबर से रशिया से S-400 मिसाइल प्रणाली मिलने लगी है। अक्टूबर 2021 तक भारत की सेना अपनी जमीनी तथा समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए तथा साइबर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत निगरानी प्रणालियों की खरीद पर विचार कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, बेरियन ने कहा कि दिसंबर में भारत को रशिया की S-400 मिसाइल प्रणाली की शुरुआती खेप मिली है, और पाकिस्तान और चीन से खतरे को देखते हुए भारत जून 2022 तक इस प्रणाली के संचालन की योजना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत अपने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, साथ ही हवाई रक्षा मिसाइल क्षमताओं को विकसित कर रहा है, 2021 से लगातार अनेक परीक्षण कर रहा है। अंतरिक्ष में भारत के उपग्रहों की संख्या बढ़ रही है दोस्तों, और वो अंतरिक्ष में अपना प्रभाव भी बढ़ा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत कमानों के एकीकरण के लिए कदम उठा रहा है, इससे उनके तीनों सशस्त्र बलों की संयुक्त क्षमता में सुधार होगा। यानी कि दोस्तों, भारत को लेकर अमेरिकी अधिकारी का यह सबसे बड़ा दावा पूरे पाकिस्तान और चाइना में तहलका मचाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आपको हमेशा से पता है कि मोदी सरकार अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है दोस्तों। ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है, कहना मत भूलिएगा कमेंट में। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन को फिर लगेगी मिर्ची, तिब्बती लोगों से मिलने धर्मशाला पहुंची अमेरिकी विशेष दूत। जी हां, तिब्बती मामलों के लिए अमेरिका की विशेष समन्वयक उजरा जया बुधवार को उच्च स्तरीय दौरे पर धर्मशाला पहुंची। ये यात्रा तिब्बती मुद्दे के लिए वॉशिंगटन के महत्वपूर्ण समर्थन का प्रतीक है। जो बाइडेन प्रशासन के किसी उच्च अधिकारी की इस तरह की ये पहली यात्रा है। उजरा जया का तिब्बतियों ने गर्म जोशी से स्वागत किया। जी हाँ दोस्तों, जया यहाँ 2 दिन रहेंगी और यहाँ निर्वासित समुदाय के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगी। वो गुरुवार सुबह दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगी। ये महत्वपूर्ण यात्रा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग की पिछले महीने वॉशिंगटन यात्रा के तुरंत बाद हो रही है। अपनी यात्रा के दौरान त्सेरिंग ने हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के साथ अमेरिकी विशेष दूत से भी मुलाकात की। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां अमेरिका ने भारत को रशिया से दूर करने के लिए उठाया ये बहुत बड़ा कदम। दरअसल बड़ी खबर दोस्तों, रशिया पर भारत के रुख से निराश अमेरिका अब भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को मजबूत करने में लग गया है। अमेरिकी रक्षा और क्षेत्र में भारत के साथ एक बड़ा सौदा करने वाला है दोस्तों। मामले से वाकिफ लोगों ने जानकारी दी है कि अमेरिका भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने के लिए सैन्य सहायता पैकेज तैयार कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित एक सूत्र के अनुसार विचाराधीन पैकेज $500 करोड़ तक का हो सकता है। इजराइल और मिस्र के बाद भारत अमेरिका से इस तरह की सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस सौदे की घोषणा कब की जाएगी या सौदे में किन हथियारों को शामिल किया जाएगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की भारत ने निंदा नहीं की है, बावजूद इसके राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से ये एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत को एक
दीर्घकालिक सुरक्षा भागीदार बनाया जा सके। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका भारत का एक विश्वसनीय भागीदार बनना चाहता है, जो बाइडेन प्रशासन, फ्रांस सहित अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास सभी जरूरी सैन्य उपकरण हो। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ रशिया को बहुत बड़ा झटका, नाटो ज्वाइन करने पहुंची पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन। जी हाँ दोस्तों, फिनलैंड और स्वीडन ने 18 मई को नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है। फिनलैंड और स्वीडन ने कहा कि नाटो गठबंधन में शामिल होने का फैसला यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण से प्रेरित था। बता दें कि शीत युद्ध के दौरान भी स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश तटस्थ रहे थे, ऐसे में नाटो में शामिल होने का उनका फैसला दशकों से यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये नाटो ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों फिनलैंड और स्वीडन, या रशिया को बहुत बड़ा झटका सच में लगेगा दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर रशिया के खिलाफ नाटो के प्लान पर अड़ गया तुर्की, स्वीडन के सामने रखी एंट्री के लिए शर्त। जी हाँ दोस्तों, फिनलैंड और स्वीडन ने 18 मई को नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है। फिनलैंड और स्वीडन के इस कदम से तुर्की भड़क उठा है दोस्तों। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि स्वीडन को तुर्की को आतंकवादियों को वापस किए बिना नाटो से जुड़ने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है दोस्तों कि स्वीडन और फिनलैंड के प्रतिनिधि मंडल तुर्की आने की हिमाकत ना करे। इससे पहले एर्दोगान ने कहा था कि वो कुर्द आतंकियों पर अंकारा के रुख के कारण स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों में आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट रुख की कमी है, और स्वीडन आतंकी गठबंधनों और संगठनों के लिए एक घोंसला जैसा है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि तुर्की इन दोनों देश के बीच अड़ंगा बनकर खड़ा है दोस्तों नाटो में ज्वाइन होने के लिए। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर ज्ञानवापी विवाद को लेकर बड़ी खबर, जहां शिवलिंग पर कमेंट करना पड़ा भारी। ओएसजी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश कुरैशी हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता को शिवलिंग पर कमेंट करना भारी पड़ गया दोस्तों। AIMIM के प्रवक्ता और नेता दानिश कुरैशी को अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दानिश कुरैशी ने शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। दरअसल AIMIM प्रवक्ता दानिश कुरैशी ने शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल हाल ही में वाराणसी की सेशन कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्षकार ने परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। इसके बाद कोर्ट ने इस जगह को सील करने का बड़ा आदेश दे दिया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष शिवलिंग मिलने के दावे को लगातार नकार रहा है दोस्तों। निजी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कांग्रेस का बड़ा आरोप, बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसी लगाकर हार्दिक पटेल का इस्तीफा करवाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की बौखलाहट भाजपा के प्रति दोस्तों यही दिखाई दे जाती है। आपको बता दें, गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने बुधवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक बीजेपी में शामिल होंगे। उधर कांग्रेस ने हार्दिक पटेल के इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है दोस्तों। कांग्रेसी नेता शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि गुजरात कांग्रेस ने एक युवा को मौका दिया था, लेकिन भाजपा ने केंद्रीय एजेंसी को लगाकर हार्दिक पटेल का कांग्रेस से इस्तीफा करवा दिया। उन्होंने कहा कि कभी हार्दिक ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन अब हार्दिक की भाषा कुछ और ही है। कभी हार्दिक ने अमित शाह को जनरल डायर की उपाधि दी थी। भाजपा की सत्ता गुजरात में डगमगा रही है, इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस के लोगों को तोड़ने की शुरुआत कर दिया। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस की इस बौखलाहट को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कितने भाई बहन मानते हैं कि कांग्रेसी नेता अपने आप इस्तीफा दे रहे हैं, ना कि किसी के दबाव में, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है दोस्तों, शायद ही कोई अब उसमें रहने को चाह रहा होगा। आप किस पर क्या राय है जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों प्लीज। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों, इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।
वंदे मातरम, हर हर महादेव।